फसला ही है कि असा की मुआवजा दिता गया है तो हूं असा की लिहाजा प्लाट शलाट देन असा इतू कुसा पासे अगे पिछे जगह बहनिया जानी ते बुरे लाते कोई रस्ते नहीं प्लाट कोई नहीं ने दिते जा जिया मसला तो नहीं है ना कोई मसला नहीं बाया अउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं थोड़ा मेज़बान फैसल अज़र और तुसा तकरीर सड़ा यूट्यूब चैनल ए जे के व्लॉग टीवी जिसना मतलब है आज़ाद जम्मू कश्मीर व्लॉग टीवी असा तुसे आज़ाद कश्मीर है जिस तरह मुख्तलिफ इलाके दसने इस खातर अज प्लाक ने एक मकाम पर असा मौजूद हाँ इतने काफ़ी ज़्यादा जो टैम नहीं सत्ता आ बड़ी गई तुसा तकी सकदे पारली साइड पर जो पानी है बन्ने ने बिल्कुल करीब गया उठी है जी सत्ता सी उद तकरीबन अ थोड़ा जि पानी थले है तकरीबन पांच फुट या चार फुट है जो त्रै या चार फुट है जो थले है पानी इस वक्त साढ़े नाल साढ़े दोस्त ते भाई भी मौजूद न इन्हों को भी पूछने के इस बन्ने ने भी ज़्यादा नुकसान होने का भी खतरा है तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों का नुकसान भी अगली साइड पर होया जी अस्सलाम वालेकुम जी तो इतना तुसा कितना एक नुकसान होया इस साइड पर तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया क्योंकि पानी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी गया अपरली साइड पर नुकसान अल्लाह करे साड़ा नहीं होया लेकिन बन्ने काफ़ी नुकसान होया फिलहाल काफी ज्यादा नुकसान होया बाकी घर भी जाने पानी चांस थे बिल्कुल है जी पानी नहीं जी सतह है काफी ज्यादा अपर गई है उठी इस वेले काफी अपर है जरा त्रै फुट घट है जरा वाप पिछु पानी अच्छा लगे उस अगर मकान शकाना कमरिया पानी जाई सकना है जाई सकना है जी नाजरीन जिस तरह तुसा सुनी कहता है कि इतना बारिश है जी काफी ज्यादा तेज होनी है लगी भी ते बाकी डैम तुम तकी सकने काफी ज्यादा बिल्कुल फुल होया डैम ठीक है इसने कोई जगह नहीं है होना क्या जरा मसा कोई जी तो नाजरीन असा इस वक्त मौजूद प्लाक अड्डा जरा अड्डे मुकाम पर तकी सकने प्लाक जरा बनना है ठीक है इतू काफी ज्यादा स्लाइडिंग हुई है जो इतना करीब घर उन्होंने काफी खर्चा है क्योंकि यह बन्ना टूटने भी खतरा है इस बड़ी वजह तू काफी ज्यादा जरा इन्हें नुकसान हो सकना क्योंकि इतू अगे पिछले जाने का जो रस्ता भी है वह भी कोई नहीं है तो मजीद साढ़े साढ़े दोस्त मौजूद न उन्होंने को पुछा कि इतने क्या कुछ सूरत हाल है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी क्या हाल है जी हाँ खैरियत है आप आए कि काफी ज्यादा स्लाइडिंग भी हुई है तो क्या कुछ मतलब घूमत नाल बारिश लगी हुई है बन्ना ट्रेना जाना आ काफ़ी परेशानियां असा दरिया ने दंदे भरने मुआवजा असें दिते है ने असें प्लाट शलाट दिते कोई नहीं जी अस अगे पिछे जा जी है जिस तरह नाजरीन इन्हें दसा कि ना तो इस वक्त तक हुकूमत ना कोई इन्हें प्लाट या ना कोई चीज़ इस वक्त तक कुसै किस्म की कोई भी चीज़ इन्हें नहीं है दी बारिश भी काफ़ी ज्यादा तेज हो रही है इस साइड पर डैम है जरा इन्होंने तकरीबन अब बेड़ा भी अछड़ना हर चीज है नीचल साइड पर तुसें नजर आई है उसी जी नीचे साइड इन्होंने जगह आ उस साइड पर बिल्कुल पहुंची है पानी अगर एक दो दिन और बारिश रहा तो बिल्कुल इन्होंने जो बेड़े साइड पानी पहुंचे तो मजीद अगली साइड जुले अगली साइड तुम और भी जड़िया ना उस साइड भी स्लाइडिंग बिल्कुल डैम है जरा इन्होंने समझो कि बेड़े च है तो वह भी तुम दसने जी जी तो नाजरीन अस अगली साइड आई गए अगली साइड भी तुम तकी सकने हो कि एक काफ़ी ज्यादा स्लाइडिंग है इन्हें खतरा है काफ़ी ज्यादा इन्होंने हुकूमत नाल रिक्वेस्ट करने के हुकूमत की चाहिए कि इन्होंने कम तो कम ना कुछ जो मतलब इन्होंने पूरे किए जाए इन्होंने कुदरा ना कुदरा जगह दी जाए जिसा कि यह रही सकन नीचे साइड जो इन्होंने मकान उन्होंने अंदर भी जरा पानी है जरा वह पहुंची चुका है इधर इस साइड भी नीचे तो तक काफ़ी ज्यादा इस साइड भी स्लाइडिंग इन्होंने काफ़ी ज्यादा हुई हुई है तो अगली साइड मजीद जुले उस साइड भी तुम अगे भी दसने इन्होंने बिल्कुल बेड़े नीचे साइड जो इन्होंने मकान शकान सन उस साइड जरा ना पानी है जरा वह पहुंची चुका है तो हूँ अगली साइड जुले जी अगली साइड जो इन्होंने कमरे वो भी तुम दसने जी तो नाजरीन जिस तरह के तुम नीचे आली साइड पर तकी सकते हो इन्होंने बिल्कुल जो नीचे आले मकान सुन उन्होंने अंदर जरा पौड़ी है जरा दाखिल हो ही चुका है ठीक है अगली साइड भी काफी ज्यादा इन्होंने जितने भी मकान थे ना उन्होंने अंदर जरा पौड़ी दाखिल हो चुका है तुमने क्या कुछ मतलब दसी सकते हो साढ़े मसला ही है कि असा की मुआवजा दिता गया है तो हूँ असा की लिहाजा प्लाट शलाट देन असा इतू कुसा पासे अगे पिछे जाओ
ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਾਂ ਖਲਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀਚਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਭੇ ਚੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਖਤਰਾ ਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਂਗ ਵੀ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਨੇ ਪਰ ਖੰਭ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾਲੂ ਪੀੜ ਢਈ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਲੈਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਢਈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਫਾਰਕ ਆ ਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਉਹ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਆਖਰੀ ਮਰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਢਹੀ ਹੈ ਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸਦੇ ਪਰ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਣੇ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬੰਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜੀ ਚਾਚਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਆ ਰੋਲਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਛੜੀ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਗਿਆ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਲਾਤੇ ਨਾ ਜਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਪਲਾਟ ਸ਼ਲਾਟ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖਸਤਾਲੀ ਲਾਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕੀ ਕਿ ਨੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਜੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੇੜ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰ ਵੀ ਤੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ ਦੋ ਸਾਈਡ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਨਾ ਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਰੇ ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆਈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਦੋ ਫੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੀ ਅਸ
जी सलाम अलैकुम। पलाग बुन्ना ग्रां मकाम है, बन्ना बहुत ही खतरनाक हो गया, बहुत परेशानियां ने असा की इतना हम दिन ब दिन होनी जानिया, लिहाजा असा की गौरमेंट मुआवजे दिते न, प्लाट कोई नहीं दिते, ना थिया ने पैसे दिते असा कि कोई इस इलाके माकूल जगह दियो जिन्हें असा अपना गुजारा करा, तो वक्त अपना गुजारा क्योंकि साड़िया जिंदगी सारिया इतना इस इलाके गुजरिया, तो हूँ असं बहर जाने काफ़ी परेशानियां होनी। जी तो नाजरीन इन्होंने जिस तरह बेड़िया में जो पानी है ना वह पहुंची है या ठीक है, तो हूँ अगर तुसा कुछ दसना चाहने भाई तो उन्होंने को भी पूछने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं यासर बोली रहा सर, तो मजीद ये गुजारिश तुसना करना हुकूमत नाल भी और अपील करने वह मेहरबानी करिए असा गरीबों ने बारे कोई सोचा जाए, साड़ा यह बन्ना एक डेंजरस हो चुके हैं जिसने वजह घुसाली है, जिसने रस्ते परेशानी है असा की बहुत ज्यादा असा की, और मजीद तुसा सारे ने ये गुजारिश है कि असा लोगों ने जो बारे कोई सोचो कि पानी बहुत ज्यादा है, कि पानी बहुत ज्यादा जो चरना चढ़ चढ़ी चुका जिस वजह से असा लोगों की बहुत परेशानी है, कि और सारे को ना जमीन है ना कोई ऐसा मामलात है सारे तौरी जिसने जिंदगी असें गुजारिश अपनी करा कोई बाल करा। जी तो नाजरीन असा सुनिया कि जी तो नाजरीन जिस तरह अगर तुम तकी सकने पलाका दरिया चा काफ़ी तेज है जो पानी है जो आई चुके हैं नीचे साइड पर साढ़े कैमरा मैन साहब थोड़े जे क्लोज करके तुम्हें दसन अगर दरिया है जो काफ़ी तेज अगर नीचे साइड पर असं तकिया कि एक मकान भी है जो अपरली साइड पर कुछ रूढ़ी आया है और अपरली साइड पर तुम तकी रहे हो कि दो पिलर ने जो अपर नजर आई रहे उसन तुम कि बाकी तो हूँ इतना कुछ कख भी नहीं नजर आ जो काफ़ी तेज है जी इतना बारिश भी हो रही है और काफ़ी तेज अपरकोंग आई रही है और अगर डैम फुल होने ने काफ़ी ज्यादा चांस बहुत तेज पानी आ रहा और पिछू जरा पिछला डैम है जरा उतू भी तकरीबन जरा पानी है उन्हें खोल छुड़ा तकरीबन डैम बहुत जल्दी फुल होने चांस सामने साइड पर जो घर ने वह भी तुम नज़र आई रहे सर उन्होंने घर च भी पानी है जरा अंदर दाखिल हो ही चुके आ तो इस साइड भी अपर काफ़ी ज़्यादा पानी है जरा अपरली साइड पर आ ही रहा तो ये जी इस साइड पर इस साइड पर कोई खास है इतने ज्यादा है हाँ कि जे नहीं है स्लाइडिंग भी होने इस साइड भी चांस थे साढ़े कैमरा मैन साहब थोड़े क्लोज है सन ठीक है तो तुम दसने की कोशिश कर सन ठीक है तो तुम चेक कर सकते हो कि इस साइड पर काफ़ी ज्यादा है जरा अगर ना सेफ्टी ना कोई निज़ाम है इस साइड पर इतना ज्यादा ना कुछ क्योंकि इस साइड पर भी जगह खिसकने वाली है त्रेड़ा श्रेड़ा तो इस जगह की पे काफ़ी ज्यादा तो हूँ।